हरितालिका अथवा तीज की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार पिता की यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया था। वहीं अगले जन्म में उन्हें राजा हिमाचल के वहां जन्म लिया और इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव जी को अपना पति मान लिया था और सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहती थी। उनकी हालत देखकर राजा हिमाचल की चिंता सताने लगी कि उन्होंने नाना जी से इस बारे में चर्चा की। इसके बाद नारद जी ने देवी पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से कराने का निश्चय किया, लेकिन देवी पार्वती विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उनके मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर घने जंगल में चली गई। वहां जाकर भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि भर जागरण किया। साथ ही उन्होंने अन्न का त्याग भी कर दिया और सूखे पत्तों के धुओं को उन्होंने 64 साल तक अपने शरीर के अंदर ग्रहण किया और यह तपस्या 64 साल तक चली। पार्वती के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए हर साल महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं, क्योंकि माता पार्वती की सखियाँ उन्हें हर कर जंगल ले गई थीं। इसी कारण इसे हरितालिका व्रत और तृतीया तिथि में पूजा करने के कारण तीज का व्रत भी कहते हैं।